जैसे अगर अपने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है उसमें बेटा कि आपके पास SO2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा आपके SO3, क्या बनाते हैं बेटा SO3। मैंने कहा किसी टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे बेटा इसके 10 मोल है, इसके 15 मोल है, और बेटा इसके हैं आपके कितने होंगे, 10 15 25, इसके आपके 15 मोल है, कितने मोल है बेटा 15 मोल। और मैंने कहा कि जो टोटल प्रेशर है बेटा इक्विलिब्रियम पे वो SCATM है, कितना है बेटा SCATM। और मैंने आपसे केपी पूछ लिया, क्या पूछ लिया केपी, केपी में तो पार्शियल प्रेशर चलता है, क्या चलता है बेटा पार्शियल प्रेशर। तो अगर डेल्टा एनजी जीरो होता ना तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोडक्ट के मोल डिवाइड बाय रिएक्टेंट के मोल कर देता, लेकिन डेल्टा एनजी यहाँ जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मुझे सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करना पड़ेगा इन द सेंस क्या हुआ बेटा, पहले मुझे सबके क्या दे रखे बेटा टोटल मोल दे रखे, तो मैं सबके मोल फ्रैक्शन निकाल लू बेटा, टोटल मोल कितने हैं बेटा 40, तो 40 तो काटो मत 10/40, नहीं इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रखी है, आगे पीछे थोड़ी जा रही है, क्लियर है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, 15/40 सबकी क्या आ गई बेटा मोल फ्रैक्शन, पी टोटल दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएंगे सबके पार्शियल प्रेशर 20, 30। अगर ये कट रहे हैं तो काटना, नहीं कट रहे हो जो मान लो यहाँ पे 85 85 85 दे देता तो कटते नहीं, लास्ट में ले जाओ अपने आप कट जाएंगे ऊपर नीचे से, क्लियर है। तो सबके क्या आ गए पार्शियल प्रेशर, अब केपी निकाल दो, क्या आएगा बेटा ऊपर से कितना आएगा 30 × 30, नीचे क्या आएंगे 20 × 20 × 30, सोल्व कर देना क्या जाएगा केपी, क्या जाएगा केपी। इस टाइम केपी की यूनिट होगी, केपी क्या होगी बेटा डेल्टा एनजी के टाइम केपी को यूनिट है, केसी की भी कोई यूनिट नहीं होगी, केएक्स भी कोई यूनिट नहीं होगी, तीनों बराबर होंगे। तो देखो क्वेश्चन देख के पहले समझ जाना है कि अच्छा डेल्टा एनजी जीरो है, मुझे कुछ नहीं मोल कर इक्विलिब्रियम के मोल चाहिए, क्या चाहिए इक्विलिब्रियम के, डेल्टा एनजी जीरो नहीं है तो केसी के लिए इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन चाहिए, केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के लिए मोल ही चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सबको, पक्का छापा मारो बेटा। तेजी से लिखो थोड़ा, चले लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये क्या है बेटा, एक सिंपल सी कहानी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। तो लिखो बेटा इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। तो देखो एक बात तो क्लियर है हमारे दिमाग में कि टेम्परेचर बदलेगा तो ही बदलेगा, वरना बदलने वाला देने वाला नहीं है, एक रिएक्शन का एक रहने वाला है। अब इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, जैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड लिखो बेटा कि अगर अपने पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी में जाता है, ए से किस में जाता है बेटा बी में, और मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो वो क्या आएगा बेटा बी अपॉन ए आएगा, बी की कंसेंट्रेशन अपॉन ए की। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, रिएक्शन क्या कर दूं बेटा, और मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या होगा ए अपॉन बी, तो क्या ये पुराने वाले का 1/K1 है। तो देखो रिएक्शन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, जबकि देखो यही चीज एंथैल्पी में थी, रिएक्शन को उल्टा करने पे एंथैल्पी क्या हो जाती है माइनस, बाकी कोई रेसिप्रोकल नहीं होती, मैग्नीट्यूड बदलता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है साइन बदलता है, क्लियर, जबकि यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है। दूसरा है बेटा कि अगर एक रिएक्शन ए से बी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 क्या होगा बेटा बी अपॉन ए, मैंने इसको एन अपना एक कांस्टेंट, एन अपना क्या है बेटा एक, इससे मल्टीप्लाई कराया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा b, b की पावर n अपॉन a, a की पावर n, मतलब b की पावर a अपॉन a की पावर n, मतलब k1 की पावर है, मतलब अगर आपने रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कराया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा पावर में, जो तू कह रही थी सर मेरी मर्जी से कर दूं, तो अगर आपने किसी रिएक्शन को अपनी मर्जी से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अपनी मर्जी से बैलेंस किया, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा हर बार, क्योंकि k1 की पावर क्या होती है बेटा n,
बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो ध्यान से कि सर इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं है, ये हो गया सेकंड। थर्ड वन है बेटा अपने पास में कि एक रिएक्शन है ए से बी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन कितना है बेटा, बी अपॉन ए। एक रिएक्शन है सी से डी, इसकी के टू बेटा क्या है, डी अपॉन सी। अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं ए प्लस सी कन्वर्ट होता है बी प्लस ए डी में, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्री आएगा वो क्या आएगा बेटा, बी अपॉन ए इंटू डी अपॉन सी। यही आएगा रोटेटरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा के वन डॉट ए के टू। तो बेटा मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन जुड़ती है तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में पावर चला जाता है, रिएक्शन को उल्टा करने पे रेसिप्रोकल। जबकि यही चीज थर्मोकेमिस्ट्री में क्या था कि रिएक्शन को किसी रिएक्शन को उल्टा करने पे एंथैल्पी साइन बदल जाता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाती है और रिएक्शन जुड़ने पे एंथैल्पी जुड़ रही थी, जबकि यहां मल्टीप्लाई होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है सबको समझ में आ गए? ये इतनी सी प्रॉपर्टीज है, ये इतनी सी क्या है प्रॉपर्टी। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं तो हम इसे सोल्व करेंगे। हाफ एन टू प्लस हाफ ओ टू रिएक्ट करते हैं बेटा के वन पे और बनाते हैं बेटा एनओ, एनओ प्लस हाफ बी आर टू रिएक्ट करते हैं बेटा के टू और बनाते हैं एनओ बी आर। फाइंड आउट टू एनओ बी आर रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा एन टू प्लस ओ टू प्लस बी आर टू, हमें इसका के थ्री निकालना है। क्या निकालना है बेटा? के थ्री। हाँ जी साइड हो जाएंगे, पहले ये तो लिखो, जल्दी करो थोड़ा सा। देखो ये वैसे ही करना है, मुझे क्या चाहिए बेटा, देखो इसमें वही अपना है बेटा, दो ग्लू से रहना है सावधान, जो अपन थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ गया है तो वही तरीका है, दो ग्लू से सावधान रहना है और जो चीज चाहिए वो डिमांड पूरी करो बेटा। हमें पता है जो भी आना है मल्टीप्लाई में आना है, क्योंकि हमें पता है दोनों रिएक्शन को जोड़ना तभी तो आएगी। तो सिंपल सी कहानी है, एनओ बी आर कौन देगा बेटा, सेकंड वाली, लेकिन कब देगा, उसमें प्रोडक्ट है इसमें रिएक्टेंट, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करते हैं वन अपॉन के वन। अब यहाँ एक है, मुझे चाहिए कितना बेटा, दो, तो कैसे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे अच्छा सॉरी के टू एल, ठीक है, अब मुझे चाहिए एन टू, एन टू ये रिएक्शन देगी, तो पहली बात तो मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। अब यहाँ हाफ मुझे चाहिए एक, तो क्या करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई। अब सर बी आर टू, बी आर टू एनओ बी आर के साथ ही आ गया, जहां एनओ बी आर आ रहा है वहां बी आर टू आ रहा है, तो दोबारा लेने की जरूरत है, बोलो कोई दिक्कत है? भाई मुझे एन टू चाहिए, ये रिएक्शन देगी, कैसे उल्टा करना पड़ेगा, नहीं, ये वाला मुझे एनओ बी आर इधर चाहिए, उल्टा करना पड़ेगा, वन अपॉन के टू हो गया, कितने चाहिए दो, यहाँ कितने हैं, तो दो से मल्टीप्लाई कराएंगा, इसको दो से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना माता, तभी तो ये आएगा ना, तो मतलब दो से मल्टीप्लाई किया मतलब स्क्वायर में जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर में जाता है। माता सुन तो ले माता, जो ओ टू है क्या इस एन टू वाले रिएक्शन से अपने आप आ जाएगा, तूने इस रिएक्शन को लिया था ना कि उल्टा करके जोड़ा है मैंने, तो जब एन टू आएगा तो ओ टू आएगा नहीं क्या, एक रिएक्शन जब दोनों प्रोडक्ट दे रहे तो दो दो बार थोड़ी लेंगे, बी आर टू जब तो एनओ बी आर को लाएगी तो बी आर टू साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मैंने कहा उल्टा करके जोड़ा, इसका मतलब क्या जोड़ा ही तो है ना, अगर एक रिएक्शन दो प्रोडक्ट दे रहे तो उनको लेने की जरूरत है, उनमें से एक ले लो, और दोगला है दो रिएक्शन में मारा तो उसको इग्नोर ही मार दो। आ रही बात समझ में? नीचे लिखा मतलब क्या है, इधर आने वाली के लिए लिखा क्या लिख रखा है, अरे के2 का मतलब रिएक्शन का के2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है माता, नीचे लिख रखा है इसका।
बताओ के फोर, बताओ के वन, के टू, के थ्री की टर्म में स्पीडली। चलो चलो तेजी से बताओ बेटा। बताओ देखो इस वाले रिएक्शन में सिंपल सी कहानी, हमें क्या चाहिए? चार अमोनिया। तो बताओ बेटा ये ध्यान से, कोमल तू बताएगी कि मुझे चार अमोनिया चाहिए, कितने चाहिए? वन बाई के वन की पावर, के टू की पावर टू, के वन की पावर फोर, जितना पूछा उतना ही, एक साथ थोड़ी बताना था। ठीक है, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा और चार चाहिए इसमें दो, ये तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट बताएगी अक्षिता, अक्षिता क्या ऑक्सीजन की लेना चाहिए क्या अपने को? नहीं, दो गले ना, किसमें आ रहा है? मैंने लिया थोड़ी एनटू। नेक्स्ट वन एनओ, कौन है एनओ? दो रिएक्शन में नहीं आ रहा, एक में आ रहा है, पर मुझे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में चाहिए। उल्टा क्यों करना? एनओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में चाहिए, उल्टा करना पड़ेगा। नहीं तो के वन का के वन रहेगा, कितने चाहिए? चार है, कितने? एक, तो चार से मल्टीप्लाई कर दिया। एच टू दोगला नहीं है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में चाहिए, मतलब उल्टा उल्टा करने की जरूरत है, लेकिन छह बार, कितनी बार है? छह बार। अब देख ये वाला है, मुझे चाहिए के थ्री में, मुझे क्या चाहिए? एस क्या चाहिए? दोगला है कि एक है? दोगला है, इग्नोर मारो। एच टू माइनस एकला है, लेकिन यहाँ बेटा कहाँ पर है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, मुझे किसमें चाहिए? उल्टा करना पड़ेगा, वन बाई ट्वेल्व। एस थ्री टू माइनस दोगला है क्या? नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में चाहिए। बोलो कितना आसान है। देखो आपको नहीं लगता थर्मोकेमिस्ट्री वाला काम था? ठीक है, बस थोड़ा सा रूल अलग है उसके से, पर काम वही है कि आपको दो रिएक्शन। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको मतलब होता है ना, रफ काम में भी ऊपर ही करके आंसर सोल्व कर दोगे। करना तो वही होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, रिएक्शन आएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आना कंपलसरी है। आप रिएक्शन बदलोगे तो कहानी बदल जाती है ना। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन क्या पॉइंट, टॉपिक लिखो, ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ग्राफ। कौन से ग्राफ नहीं करवाए? लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। बनाओ फटाफट बनाओ, आर वर्सेस टी में ग्राफ है सारे, किसमें है बेटा? आर वर्सेस टी में। इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम का है? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, सॉरी, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बताओ भाई, पहला और दूसरा ये, बाकी नहीं है क्यों भाई?
फर्स्ट और दूसरे सूर्य सारे हैं, लास्ट तो नहीं है, इसमें रिएक्टर देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ ए बैकवर्ड एडजस्ट, वही होता है। तो क्या इसमें आ रहा है बेटा, एक टाइम के बाद में कांस्टेंट आ रही है, इसमें भी एक टाइम के बाद दोनों के बराबर बराबर आ जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए बराबर। तो एक टाइम के बाद में बराबर आ रही है, इसमें बस एक बार बराबर आई, लेकिन बराबर है क्या रेट, रेट बराबर नहीं। तो इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट होगी, इससे क्या मतलब है, बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। मैंने कहा कि एक इधर से 100 की स्पीड से इधर से 500 स्पीड बराबर चल रहा है, लेकिन उससे बराबर तो नहीं हुई ना, एक 100 से आ रहा है 500 से आ रहा, बराबर हुई क्या। मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड से 100, कांस्टेंट स्पीड से 500, रेट बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, क्या इसमें बराबर है, क्या इसमें बराबर है, क्या इसमें 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 किसी में भी है। तो इसका मतलब सिर्फ पहले दो ग्राफ है, कौन से ग्राफ है बेटा, लास्ट वाले में दोनों की बढ़ कैसे सकती है, एक घटना एक बढ़ना चाहिए ना, एक तभी तो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कोई एक तो घटाओ जुड़ाओ, किसी को तो करो ऐसा, आ रही बात समझ में। तो कौन से रेट का, रेट वर्सेस टी में ग्राफ है, तो रेट वर्सेस टी में कौन कौन से सही हुए बेटा, पहला और दूसरा। अगर इसी ग्राफ में मैं कंसंट्रेशन कर दूं, आर की जगह क्या कर दूं बेटा, कंसंट्रेशन, अब कौन कौन से सही है, क्यों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जानी चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो होना चाहिए, ये तो बात हुई थी कि कंसंट्रेशन में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, चेंज जीरो होना चाहिए। तो देखो बेटा एक पॉइंट के बाद में देखो, इसमें कंसंट्रेशन में चेंज जीरो है, इसमें भी कंसंट्रेशन में चेंज क्या है, जीरो, और इसमें भी क्या है बेटा, इसमें इसमें और इसमें कंसंट्रेशन में चेंज क्या है बेटा, जीरो, चेंज जीरो हो जाना चाहिए, चेंज क्या हो जाना चाहिए, जीरो। बोलो कोई देखो, एक पॉइंट के बाद देख लो कंसंट्रेशन में कोई बराबर हुई, इसकी कोई बात नहीं है, देखो यहाँ बराबर है भी याद। अब इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट है, इसमें प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट है नहीं है, प्रोडक्ट किसी अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकता है, जीरो से स्टार्ट हो, कोई गारंटी नहीं है। छापो बेटा जी, हाँ बेटा जी, बढ़ नहीं सकते ना बेटा दोनों की, तो ये तो गलत बात हुई ना लास्ट वाले को छोड़ के। तो अगर सी वर्सेस टी का ग्राफ है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये छह ही है, सातवां नहीं हो सकता ना, क्योंकि बेटा दोनों की कंसेंट्रेशन थोड़ी बढ़ सकती है, दोनों की बढ़नी नहीं चाहिए ना। हाँ जी बोलो, हो सकता है, मैंने ग्राफ दोनों बनाए, ये जीरो से स्टार्ट वाला भी जीरो से नहीं स्टार्ट वाला भी, मैं शुरुआत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डाल दिए रिएक्शन में, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है कि वो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। सर मतलब कि भाई शुरुआत में रिएक्टेंट ही बहुत ज्यादा हुआ हो, प्रोडक्ट रहा ही नहीं हो, तो रिएक्शन शुरुआत में तेजी से आगे भागेगी, फिर प्रोडक्ट भी बनने लग जाएगा तो प्रोडक्ट भी पीछे भागेगा, और एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या जाएगा। तो हम आज से एक चीज देखते हैं कि रिएक्शन को कहां जाना है बेटा, इक्विलिब्रियम, चाहे जो जाए, आगे चली गई तो बाकी पीछे आएगी, पीछे रह गई तो आगे आगे आएगी, मतलब कैसे करके रिएक्शन आपको इस तरह चलानी है कि इक्विलिब्रियम आए, क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम आए। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको लिखा कि एक रिएक्शन है उसमें ए गैस प्लस बी गैस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, सी गैस प्लस ए डी गैस। अगर मुझे इसका आंसर मुझे दिया जाए, ये ए है, ये ए है, क्लियर है, और ये दोनों कितने हैं बेटा, जीरो और जीरो। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ रिएक्शन अब कहाँ जाएगी, किसी टाइम टी वन पे, इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा आपकी बार, इक्विलिब्रियम होता अगर इक्विलिब्रियम हो तो कहीं नहीं जाती, किसी टाइम टी वन पे हो
तो सिंपल सी कहानी है, पिच तो आ ही नहीं सकते नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। इस कंडीशन में रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। अगर बेटा मैं यही क्वेश्चन में मैं कहूं कि टाइम T1 पे बेटा ये A है, ये 0 है, ये B है, ये C है, अब किधर जाएगी? क्योंकि आपको सर इसमें है तो C A तो, लेकिन अकेले ऐसे फॉरवर्ड थोड़ी जा सकती है, B A और B दोनों चाहिए, तभी तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। लेकिन फॉरवर्ड नहीं जा सकती, रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? बैकवर्ड। अगर किसी टाइम T इक्वल टू T2 है, किसी टाइम T3 पे ये A है, ये B है, ये आपका C और ये 0 है, अब कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। क्या जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। तो ये तो देख के पता लगा लोगे कि अगर एक कंपोनेंट गायब हुआ रिएक्शन उधर जाएगी, लेकिन अगर रिएक्शन इस तरह से है कि ए गैस प्लस बी गैस रिएक्ट करके बनाती है सी गैस प्लस ए डी गैस किसी टाइम टी इक्वल टू टी वन पे, इसकी कंसेंट्रेशन है इसकी बी इसकी सी इसकी डी, अब किधर जाएगी? डिपेंड करता है, आप तो कुछ नहीं कह सकते। तो अब एक नई वर्ड आता है जिसका नाम है रिएक्शन क्वोशेंट। क्लियर है? अब रिएक्शन क्वोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब डिफाइन है? जब कहे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब वो ना कहे उस केस में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या कहलाता है बेटा? रिएक्शन क्वोशेंट। अब रिएक्शन क्वोशेंट भी वही होगा बेटा, क्यूसी क्या होगा कंसेंट्रेशन की टर्म में, क्यूपी क्या होगा बेटा प्रेशर की टर्म में, क्यूएक्स क्या होगा मोल फ्रैक्शन की टर्म में। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा? ये हमेशा है। ये क्या है बेटा? हमेशा। मतलब टाइम टी इक्वल टू एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, दस पे, पंद्रह पे, इवन सौ पे, डेढ़ सौ पे, सब टाइम पे बेटा डिफाइन है। मतलब इसकी वैल्यू वेरिएबल है। क्या है बेटा? ये कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है। कैसा है बेटा? ये कंसेंट्रेशन में डिपेंडेंट है। क्लियर? मतलब कंसेंट्रेशन पे क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। कंसेंट्रेशन बदलेगी तो भाई साहब ये भी बदलेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फिक्स है। क्या बेटा? फिक्स है। तो अब आपको जब अब नई सिचुएशन पड़ रही है, अब तक तो मेरे क्या कहा था? इक्विलिब्रियम थी। अब आपको कोई रिएक्शन दे दे और पूछे क्या इक्विलिब्रियम में है क्या, तो आप हमेशा क्या निकालो? उसका रिएक्शन क्वोशेंट निकालो। क्यों निकालो? क्या निकालो बेटा? क्यों। आगे भाषण में कुछ ना दिया जाए तो हमेशा क्यों निकलता है? क्या निकलता है? क्यों। आगे भाषण में आपको कह दे कि ये कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोलूंगा ना मैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही निकालूंगा। अब कुछ ना कहा जाए तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेशियो को हमेशा क्या बोलोगे? रिएक्शन क्वोशेंट। आगे भाषण में अब उससे हम पता लगाएंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ? हमें पता है हर रिएक्शन क्या बनना चाहती है? इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो जब रिएक्शन आगे सरकेगी तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? मतलब क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम आएगा तब रिएक्शन क्वोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। मैं कहूंगा रिएक्शन क्वोशेंट क्या? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट अपॉन है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन इक्विलिब्रियम पर है, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब रिएक्शन क्वोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे? सेम। दोनों क्या होंगे? सेम। तो आप रिएक्शन क्वोशेंट निकाल लो, अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो कह देना रिएक्शन इक्विलिब्रियम में खड़ी है। किसमें खड़ी है? वरना कह देना इक्विलिब्रियम में नहीं है। आगे बात समझ में? तो अब रिएक्शन क्वेश्चन के लिए क्या लिखाओगे? एट एनी पॉइंट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। एनी पॉइंट मतलब हर जगह, हर पॉइंट पे, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम पर है। किस पे बेटा? बाकी टाइम तो डिफाइन ही नहीं है। इसे उतार लो बेटा। ये सब पे डिपेंड करते, पर ये तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, हर बार हेरी वैल्यू पे डिपेंडेंट है। वह हर जगह नया नया आता है तो ये कांस्टेंट नहीं है ना, जो वेरिएबल है भाई। रिएक्शन क्वोशेंट तो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है उसका क्या मतलब है? वो हर जगह डिपेंडेंट है। जबकि क्यू के तो फिक्स है, पर ये बदल लो चाहिए, ये रेशियो फिक्स है। रेशियो क्या है? वो बदलने वाला नहीं है। वो कहता है जब इक्विलिब्रियम आओगे उस टाइम बताना, उस टाइम तुम्हारा रेशियो में कहलाऊंगा, बाकी टाइम में नहीं कहलाऊंगा। आ रही बात समझ में? लिख लिया सामने। तो जैसे किसने लिखा? लिख बेटा फटाफट लिख। हाँ लिख दे। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट रेशियो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, देख लिया, ईच रिवर्सिबल रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम, ईच रिवर्सिबल रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम, ईच रिवर्सिबल रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम, व्हेन इट अचीव, व्हेन इट अचीव्ड इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्यूसेंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा ये, तब ये बराबर हो जाएंगे, मतलब जब क्यू के बराबर आए तो करना इक्विलिब्रियम में, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं कि भाई अपने पास बेटा एक रिएक्शन है जिसमें PCl5 है, वो रिएक्ट करता है बेटा PCl3 प्लस Cl2 से, क्लियर है। हमें कहा हुआ है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कैसी, वो आपका चार है, कितना है बेटा चार, ठीक है। किसी टाइम t इक्वल टू t1 पे, किसी टाइम t इक्वल टू t1 पे, इक्विलिब्रियम नहीं बोला बेटा आपके पास, टाइम t इक्वल टू, इससे पहले वाले में इक्विलिब्रियम बोलता था, t1 पे इसके बेटा आपके 5 मोल है, इसके सॉरी इसके आपके 10 मोल है, इसके आपके 20 मोल है, और इसके भी आपके बेटा इसके 10 इसके 20 ज्यादा हो जाएंगे, एक सेकेंड, इसके आपके हैं, इसके 8 मोल है, इसके 4 मोल है, और इसके कितने मोल है बेटा 2 मोल है, और आपको जो वॉल्यूम दे रखी है वो 2 लीटर है, कितनी है बेटा 2 लीटर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपसे पूछ रहा है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, अगर नहीं है तो फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, तो लिखो क्वेश्चन को, पहले लिखवाता हूं, सुन ले माता सुन ले, अपने नॉलेज को नहीं दिखाते, अगर आपको पहले से पता है तो लिख लिया। क्वेश्चन का जवाब उसका देना चाहिए जो लिटरली में आपको लगे पहली बार सुना है, लिख लिया सबने, तो लिखो इसमें, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कॉमा कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2, PCl5, PCl3 एंड Cl2 व्हेन इट अचीव्ड इक्विलिब्रियम, जब ये कभी इक्विलिब्रियम में अचीव कर जाएगा, क्लियर है। तो देखो पहले बात, जब भी क्वेश्चन आए तो हमें पता नहीं फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो पहले देखो मोल दिए, मोल का पहले डेल्टा एनजी जीरो है क्या, नहीं, नहीं है, तो वॉल्यूम का रूल है, वॉल्यूम का रूल है, मतलब रिएक्शन क्वेश्चन भी वैसा ही है, अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो मोल का रेशियो सीधा किसका रेशियो, लेकिन अगर डेल्टा एनजी जीरो नहीं है तो कंसेंट्रेशन क्या चाहिए, तो बेटा इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा चार मोलर, दो मोलर और एक मोलर। अब जब कुछ ना कहा जाए प्रोडक्ट और रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, क्यूसी, क्या है क्यूसी बेटा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा दो इंटू एक, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा चार, कितना आएगा बेटा 0.5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या क्यूसी केसी के बराबर है क्या, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, मुझे पता है रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में जाए, और जब वो इक्विलिब्रियम में जाएगी तब क्यूसी केसी के क्या होगा, बड़ा बराबर बराबर होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये क्यूसी अपने आप को बड़ा करना चाहेगा, भाई बराबर होने के लिए इसे बड़ा होना पड़ेगा, और ये बड़ा कब हो सकता है, जब इसके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा और रिएक्टेंट की कम हो, बोलो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो बेटा ज्यादा और रिएक्टेंट क्या हो कम, इसलिए इसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आपका क्यूसी क्या है केसी से छोटा है, और ये बड़ा होना चाहेगा, बड़ा होने के लिए इसे कहां जाना पड़ेगा फॉरवर्ड, तो रिएक्शन की डायरेक्शन पता लग गई पहली बात। अब ये फॉरवर्ड जाएगी, कब तक फॉरवर्ड जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम है, तो हमने अज्यूम किया कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी तो हमें वही तरीका है बेटा अपना, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है फोर मोलर, मैंने कहा इसका एक्स अमाउंट चला गया, इक्विलिब्रियम आया तब इसका एक्स अमाउंट है
आगे गए तो x अमाउंट चला गया, अगर इसका x चला गया तो ये कितना बना बेटा 2 प्लस x, और ये कंसेंट्रेशन को यूज किया हमने, किसको यूज किया बेटा, जो कंसेंट्रेशन चली गई, हाँ x कंसेंट्रेशन इसकी चली गई, तो इसका x बन गया, इसका x बन गया। कब तक ये रिएक्शन आ गए, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव हो, हमने कहा अब हमने कहा ये मैंने कहा था ना अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया ये रिएक्शन तब तक हुई है जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ गया, तो हमने कहा ये इक्विलिब्रियम की नई कंसेंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम की नई कंसेंट्रेशन है, ये कब कब हुआ, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ गया, और अगर ये इक्विलिब्रियम की नई कंसेंट्रेशन है तो जो कैसी है वो इनके क्या होना चाहिए बेटा, अब मैंने कहा इक्विलिब्रियम आने तक हुआ है तो मतलब ये इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, तो कैसी किसके इक्वल होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये कितना है बेटा 4, ऊपर सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3x प्लस 2, और नीचे क्या आएगा क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 14 माइनस 4x इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर, सोल्व आउट करो कितना आएगा x स्क्वायर 7x माइनस इक्वल टू 0, तो हमें आता क्या आता है बेटा श्रीधराचार्य आता है सबको, क्या निकालना है x, क्या निकालना है x, फॉर्मूला क्या श्रीधराचार्य निकालने का, तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना हो जाए, b कितना है बेटा 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac, लेकिन c की वैल्यू कितनी है माइनस है, तो 4ac कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 कितना हुआ प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2a, तो 49 प्लस 56 कितना होता है बेटा 105 आएगा, 105 हमें पता ध्यान से कि रूट 100 का रूट कितना होता है 10, तो 105 का 10.1 ले या 2 ले ले, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 7 प्लस माइनस 10.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा देखो अब ध्यान से, सॉरी माइनस 7 था ना एक्सचेंज, सॉरी अब देखो हम इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं ले सकते, प्लस माइनस में माइनस नहीं ले सकते क्योंकि x माइनस में आएगा, अमाउंट कभी माइनस में नहीं हो सकता, किसी का अमाउंट माइनस में नहीं हो सकता, अमाउंट माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस वाली प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो माइनस 7 और डी कितना आएगा 3.2, और 3.2 को x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.6, ये हमें क्या आ गया x क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे x क्या क्या नहीं होना, पहली बात x नेगेटिव होना नहीं होना चाहिए, और अगर आप सोल्व करते समय x की ऐसी वैल्यू आ जाए जो 4 से बड़ी है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर है, अगर जो x की दो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 4 से बड़ी मतलब जो रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, भाई आपके जैसे x हमने 4 लिया x आ गया मतलब सॉरी 4 लिया x आ गया 5, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्यों, क्योंकि अगर आपने 5 लिया तो इसका मतलब रिएक्टेंट माइनस में बचा है, पॉसिबल है क्या ऐसा, नहीं भाई, जैसे हमारे प्रेरणा के पास 100 रुपए थे तो इसने आगे कहा सर मुझसे साथी ने मारपीट के 200 छीन लिए, ये बात सच्चाई नहीं है, छीन ही नहीं सकती 200 रुपए, 100 ही तक तेरे पास, तो 100 तक का बोल सकते 100 छीन लिए मुझसे, वो बात एक बार फिर भी जायज है, जितने हैं उससे ज्यादा नहीं छीन सकते, हरी बात में सेम कहानी यहाँ पर है, जितने हैं उससे ज्यादा नहीं छीने जा सकते और नेगेटिव में नहीं छीने जा सकते, हरी बात, तो एक्स नेगेटिव नहीं होगा और इनिशियल अमाउंट से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक्स है, अब जो बड़ा ध्यान से, और x आ गया तो x की वैल्यू पुट करते हैं सब इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ जाएंगी, बस यही क्वेश्चन है इसके, क्या क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता डायरेक्शन यहीं तक खत्म हो जाता है, दूसरा पूछता है इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन निकालो, तो पहले डायरेक्शन तो निकालनी है, फॉरवर्ड आया तो x घटा दो x इधर से मतलब फॉरवर्ड आया इधर से घटा दो इधर बढ़ा दो, तो हमने कहा रिएक्शन फॉरवर्ड गई, फिर कब तक गई जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, तो ये अज्यूम्ड हो गया कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, और जब ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है तब x इतना है, तब x इतना है, अगर ये इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल, यहां से x निकाल लोगे, x निकलते हैं आपके पास क्या आ गया कि x की वैल्यू रखते हैं इनकी इक्विलिब्रियम में क्या आ गई बेटा कंसंट्रेशन, क्या आ गई बेटा कंसंट्रेशन, बोलो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक ले लिया सबने नहीं, जल्दी लिख दो, मैं तो साइड में ही हूं तो लिखे दो,
देख लिया। अब नेक्स्ट एक टर्म आते हैं जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ है तो लिखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से लिखते हैं इसे। अब कई नाम होंगे इसके, डिसोसिएट रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन रिएक्शन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आयोनाइजेशन रिएक्शन में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन रिएक्शन में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, सब यही है। अल्फा से लिख देते हैं, कभी हाइड्रेशन वाले में एच से लिख देते हैं, दो ही नाम इसके। होता क्या है कि पर मोल कितना डिसोसिएट हुआ, पर मोल कितना डिसोसिएट हुआ, जो आपका ये 1.6 आया ना बेटा, ये पर मोल नहीं है, ये चार मोल पे डिसोसिएट है। कितने पर है कि इसके चार मोल में से 1.6 गया, इसके चार में से एक्स गया ना, एक मोल पे से एक्स थोड़ी गया है। हाँ कंसेंट्रेशन पर मोल लीटर हो गया ना, मतलब पर मोल पर लीटर एक ही बात है ना, मतलब पर मोल पे डिफाइन हुआ तो पर मोल लीटर पे भी डिफाइन हो गया ना एक तरह से। कंसेंट्रेशन तो लीटर एक सेम रहनी है ना, वॉल्यूम तो मतलब पर मोल या पर मोल लीटर इस पे डिफाइन होता है। फैशन में कि आपकी एक मोल या एक मोलर से कितना बना, या तो एक मोल लो या फिर एक मोलर लो, ये एक मोलर लो, पर पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, ये कितना था बेटा चार, कितना है बेटा चार पे आपका एक्स गया, चार पे कितना गया है एक्स, तो एक पे कितना जाएगा। आगे बात समझ में, तो लिखो इसे पर मोल या पर मोलर, पर मोल या पर मोलर डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएशन ऑफ नॉन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने कहा अपने पास रिएक्शन है, उसमें एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसके टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका ए था, ये जीरो था, किसी टाइम टी इक्वल टू टी वन पे इसके ए में से एक्स गया, ये कितना बना बेटा एक्स बना। तो ध्यान से सिंपल सी कहानी है, तो एक्स क्या है बेटा ए अमाउंट पे डिसोसिएशन है, तो ए अमाउंट पे कितना बना बेटा एक्स, तो एक पे कितना जाएगा एक्स बाई, यही आपका अल्फा है। तो अल्फा क्या हो गया अमाउंट डिसोसिएटेड, अमाउंट अपॉन है, लिख दो फिर। अब बेटा अपन कभी भी क्वेश्चन में तुमने बहुत बार देखो अपन अल्फा यूज नहीं करेंगे, अगर अल्फा पूछा है तो निकाल देंगे। जैसे जैसे लास्ट इस वाले क्वेश्चन में हमें एक्स आ गया, तो अल्फा पूछेगा तो अल्फा क्या होगा बेटा एक्स अपॉन ए, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 0.4। ये 0.4 आप इसको 40% भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो 40। तो मैं मेरे क्वेश्चन में कभी भी अल्फा सीधा नहीं निकालूंगा, मैं मेरे फॉर्मूले में हमेशा एक्स यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा एक्स, क्योंकि बेटा देखो ये एक पे डिफाइन है, कई बार 10 मोल आते हैं, कई बार 15 मोल आते हैं, और तुमने कई बार इक्विलिब्रियम में ऐसा लिखते हुए देखा भी है कि रिएक्ट ए प्लस बी रिएक्ट करके बनाते हैं, सॉरी ऐसा नहीं जाबे, एक रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में जाता है, इसके से ए में से अल्फा गया, अल्फा बना, फिर ए माइनस अल्फा इंटू सी किया, सी अल्फा किया, ये नौटंकी सबसे गंदी नौटंकी है, क्योंकि इसमें अपना वो स्टोइकोमेट्री ढंग से काम नहीं करता कि इसके अल्फा से उसके दो अल्फा बने कि तीन अल्फा बने, फिर सी से मल्टीप्लाई किया, काहे को करनी है नौटंकी। तुम तो हमेशा एक चीज रखो ना, ये चीज आ रही है आप ऐसा करो ही मत ना, तुम तो एक ही चीज ध्यान रखो, जब भी आए ए था जीरो था, ए में से एक्स गया, इसके एक्स बने। अब किस अगर अल्फा दिया हो तो क्या दिया हो, कोई बात नहीं, अल्फा इक्वल टू क्या एक्स अपॉन ए, अगर मुझे अल्फा दिया है तो ए से मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल दूंगा, एक्स रख दूंगा, क्योंकि अगर आप देखो एक्स इक्वल टू क्या आएगा ए अल्फा, ए को यहां रखोगे तो क्या आएगा ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा ए कॉमन लोगे 1 माइनस अल्फा ए अल्फा, यही तो आया। तो ये करनी क्यों नोटेंगी जो हमें आती है, हमें तो एक्स निकालना है, अमाउंट डिसोसिएशन, एक्स क्या है अमाउंट है डिसोसिएटेड, और अल्फा क्या है पर मोल या पर मोलर है डिसोसिएशन। जब भी अल्फा है एक्स निकाल लो, क्या निकाल लो और एक्स पे मुझे पता तुम्हें बाबूलाल अच्छे से आता है, आ रही बात में, एक्स तुम्हें अच्छे से यूज करना आता है, कैसे पुट करके रखना है तुम्हें पता है, तो तुम्हें कभी अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, पूछे तो लास्ट में निकाल देना, क्योंकि अल्फा पूछे तो एक्स तो निकालना ही है, एक्स निकाल के निकाल देना, अल्फा दे तो यूज कर लेना, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई बेटा सबको।
ये चीज सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट व्हेन इट्स 40% व्हेन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 40% एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो देखो बड़ा ध्यान से कि PCl5 है कन्वर्ट होता है PCl3 में और Cl2 में, मैंने कहा इसके शुरुआत में चार मोल है, इन दोनों के जीरो जीरो है, बताओ भाई चार मोल है। अब मुझे पता है रिएक्शन कहां जाएगी आगे, तो मैंने कहा 4 माइनस एक्स, ये x और ये x, तो इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x, x पता होते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन उसने क्या है 40% हुआ, मतलब अल्फा कितना है बेटा 0.4 और अल्फा क्या होता है x अपॉन है 1, तो x कितना जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 4, 1.6, तो k क्या आ गया बेटा 6 का स्क्वायर अपॉन है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। आगे बस में इतना यूज करना है अल्फा का, अल्फा दे, अब जरूरी नहीं कि अल्फा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन है, किसी भी टाइम पर डिफाइन हो सकता है, किसी भी टाइम पे डिफाइन हो सकता है, जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम पे डिफाइन हो, नहीं नहीं अल्फा तो वैल्यू है ना भाई, कितना डिसोसिएट हुआ, मैंने वो इक्विलिब्रियम का है बोला अल्फा, मैंने क्या बोला 8 इक्विलिब्रियम अल्फा इतना है, तो फिर वो डाटा रखूंगा तो सीधा किसमें जाएगा इक्विलिब्रियम में, किसमें जाएगा इक्विलिब्रियम में, मतलब कब तक रिएक्शन 40% कब डिसोसिएट हुआ, जब इक्विलिब्रियम है, मतलब जो वैल्यू गिवन है वो किसकी है इक्विलिब्रियम की, किसकी गिवन है, वो बोले कि इक्विलिब्रियम की है तो इक्विलिब्रियम मानेंगे, वरना तो क्यों, मैंने कहा एक रिएक्शन जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% है, तो मुझे क्या पता इक्विलिब्रियम का है क्या है, तो उससे जो आएगा वो क्यों होगा, उससे आएगा वो क्या होगा क्यों होगा। आई बात में, छापो इसे, मैंने दिया हुआ आएगा इनिशियल कंसेंट्रेशन गिवन, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन ना गिवन आए तो इनिशियल 1 मान लेना, कितनी मान लेना 1, ठीक है। नहीं है बिल्कुल आसान मजे पर, आगे समझ में, हाँ नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट क्यों होता है डिलीट क्यों नहीं होता, हमने कहा इन दोनों के 16 16 मोल है, कितने मोल है, अगर इन दोनों के अच्छा सामने देख ले, अगर इन दोनों के 16 16 मोल है, तो सिंपल सी कहानी है, ये कितने आएंगे 8 मोलर और ए, हमें देखो T1 जब भी आए मैं तो क्यों निकालूंगा, क्या निकालूंगा क्यों, कितना आएगा बेटा 8 × 8 / 4 कितना आएगा 16, तो मुझे एक बात बताओ QC कैसी से क्या है बड़ा, और हर रिएक्शन चाहती है कि इक्विलिब्रियम आए, क्या है बेटा इक्विलिब्रियम, तो QC क्या चाहेगा मैं छोटा हो जाऊं, और ये छोटा कब हो सकता है रिएक्शन है, पर ये वाला अमाउंट घटे और ये वाला बढ़े, मतलब रिएक्शन कहां जाए पीछे, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या आ गई बेटा बैकवर्ड, क्या आ गई बैकवर्ड, बोलो कोई दिक्कत है, तो वही ये बात है PCl इनके कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में, सॉरी जो 4 और ये 8 और ये 8, इसमें कोई बाबूलाल वाला वाली टेंशन नहीं है, किसे बाबूलाल वाली टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो तो किसी की नहीं होनी, जीरो तो यहाँ कोई भी जीरो नहीं होना, तो कोई लिमिटिंग विमिटिंग टेंशन है नहीं, लिमिटिंग से करो तो भी ठीक है, मतलब आप कहते हो सर मैं लिमिटिंग कंसेप्ट यूज करता हूँ तो ठीक है, अच्छे वो कहते हैं ना वाह बहुत बढ़िया बात है, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं, आंसर सेम ही आता, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग कंसिडर तब यूज करता है तब एक जीरो हो जाता है, एक क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम में कोई जीरो वेरो नहीं होता, इक्विलिब्रियम में कोई जीरो नहीं होता, आ रही बात समझ में, हाँ क्लियर है, तो दोनों में से किसी को एक, किसी का एक का एक्स जाएगा, किसी एक का क्या जाएगा एक्स, भाई ये पता होना चाहिए फिर भी लिमिटिंग कौन सा है, लेकिन यहाँ तो दोनों लिमिटिंग है, तो दोनों क्या है लिमिटिंग, वो हमें पता कैसे पता है, लेकिन नॉर्मल 99% केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक का एक्स हटा दो, किसी एक का एक्स भाई पीछे जाएगी, मैंने कहा इसका एक्स जाएगा, तो अगर इसका एक्स जाएगा तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, इसका भी एक्स जाएगा, हाँ। इसका भी क्या जाएगा एक्स, तो 8 माइनस है एक्स, अब इनका एक्स गया तो इसका कितना बनेगा एक्स ही बनेगा, कंसेप्ट ऐसे मत रखना कि इसका एक्स गया, इसका एक्स गया, दो एक्स गया तो इसके दो एक्स बना दो, किसी एक से चलाना है भाई, हमारा दिमाग ना लगे, तो देखो इसका एक्स गया
तो अमाउंट कितना गया बेटा, x कितना गया, x स्टोइकोमेट्री कितना है 1, बाबूलाल कितना आया x, तो रिएक्शन पीछे जा रही है तो इसका भी x जाएगा और इसका x है। इतने दिन तक बेटा हमारे पास सिर्फ इधर से इधर जाती थी, इधर से इधर, अगर इधर आ रही है मतलब ये बनेगा और ये घटेंगे, क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि अब ये मत करना कि सर हम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा कर देंगे, रिएक्शन तो आपने रिवर्स की है, लेकिन मैंने रिएक्शन को रिवर्स से नहीं किया है, रिवर्स करने का मतलब रिएक्शन को उल्टा लिखना, रिएक्शन तो ऐसे ही है पीछे चल रही है, रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब ऐसा करना, मैंने नहीं किया है, मैंने रिएक्शन को उल्टा लिखा है क्या, लिखने से ही मतलब है क्योंकि प्रोडक्ट इसका भी यही है, वरना फिर बैकवर्ड नहीं थोड़ी कहलाएगी, अगर तूने ऐसा लिख दिया तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड कहलाएगी, तेरी डायरेक्ट अगर तू यहां बैकवर्ड रखता है तो रिएक्शन को तो ऐसे रखना पड़ेगा ना, वरना यहां फॉरवर्ड लिख और फिर उल्टा कर, क्लियर है। तो इतना फंसना है कि बहुत सी जगह ऐसे किया हुआ मिलता है कि डायरेक्शन को फॉरवर्ड करते हैं फिर इसको उल्टा करते हैं, काहे को करना, इधर से पीछे ले आओ, इससे ही प्रोडक्ट रहने दो कि तू रहा प्रोडक्ट, तेरा नाम अच्छा है प्रोडक्ट, पर अमाउंट पीछे आने दे, अमाउंट पीछे आने दे, जैसे अंग्रेज करते थे, राजा तू बना रहे हमें तो पैसा दे दे, क्लियर है। तो कि ठीक है तू बना रहा प्रोडक्ट पर पीछे चल, कहां चले पीछे, हमने कहा ये पीछे कब तक चली, जब तक इक्विलिब्रियम है, और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन ए, फिर से क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल आउट करो कितना आएगा, 16 प्लस ए 4x 648 माइनस ए 9x प्लस ए x स्क्वायर, क्या करती है मतलब मल्टीप्लाई करते दोनों को, अब इसको सोल आउट करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 13x, और ये 16 आके घटेंगे तो कितने बचेंगे 64 में से, क्या 32x आएगा, 16 आएगा, अच्छा सॉरी तो आएगा, प्लस कितना हो जाएगा प्लस 20x, सॉरी अरे माता इसको जोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हो, लिखने दिया कर, इसको इधर ले आया था इसको इधर ले आया, लिखने दिया पहले क्या कर रहे हो, लिखने के बाद बोलते हैं क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ, जो इस 4x को इधर ले आया कितना हो गया बेटा माइनस 20x, और ये माइनस इधर आया क्या हो गया बेटा, सो 64 में से माइनस 16 गया कितने बचे 48, ये किया है मैंने, आगे समझ में, इधर लाना ही नहीं होता उधर भी लाना हो सकता है, ठीक है बोलो कोई दिक्कत है। अब हमें यहाँ से क्या पता लग गया बेटा, ए बी से x निकाल लोगे, x क्या होना चाहिए बेटा, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे बेटा आपको एक्स आएगा अल्फा क्या होगा बेटा एक्स अपॉन ए, और ए कितना है बेटा आपकी बार, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसका आ जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बेटा, किसका इसका तो डिसोसिएशन नहीं हुआ ना, पीसीएल तरीका, इसका बोलोगे तो एसोसिएशन हो जाएगा, इसका बोलोगे तो क्या हो जाएगा एसोसिएशन, ये तो बन रहा है तो ये एसोसिएशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डिसोसिएशन, आ रही बात में, हाँ अरे माता इस पर पीसीएल थ्री को बोलने को कुछ भी बोल दो इसे कोई फर्क नहीं, ये तो एक तरह से पीसीएल थ्री तो खुद में तो टूट ही रहा है ना, खुद में तो क्या हो रहा है टूट ही रहा है, पीसीएल फाइव बन रहा है इसका एसोसिएशन कहलाएगा, मैं बन रहा हूँ मैं टूट रहा हूँ तो ये तो टूट ही रहा है ना, पीसीएल थ्री तो अमाउंट घट ही रहा है, क्लियर है, चलो लिख लो इसे क्यों किताबें नीचे फेंकते रहते हो, बड़ा आप लिखो बेटा, चमका चमको धमकाते उतर जाता है क्या मुंह, चलो जी लिख लिया तक, तुझे भी रुलाएंगे, लिख लिया चले आगे, नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर मान लो कंसेंट्रेशन कुछ इस तरह से आती बेटा,
ऐसा होता है, क्लियर है? एक सेकेंड, अब भी गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं यहाँ चाहिए फोर फोर, एक सेकेंड, एक मिनट रुक तो जा। अरे यार हट जा, अरे रुक जा, लिखने दे, पैपे मत कर। एट तो फोर फोर कर जाए, अब फोर आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका क्यूसी क्या आएगा बेटा? कितना आएगा? फोर। तो केसी किसके, क्यूसी किसके इक्वल आएगा? केसी के बराबर। अब रिएक्शन किस में? इक्विलिब्रियम में। तो आप यहीं बोल दो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहीं नहीं जाएगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहीं पर भी नहीं जाएगी। मतलब इस वक्त क्या बोलेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आपको कहीं नहीं जाएगी, मतलब रिएक्शन रुक गई क्या? कि रिएक्शन तो चल रही है लेकिन डायरेक्शन ऐसी है, दोनों की कंसेंट्रेट रेट क्या बेटा इतनी बराबर है कि हमें कहीं पे जाती हुई नहीं दिखेगी। चले आगे, चलो जी आगे चले। नेक्स्ट लिखो बेटा, इन द गैसियस रिएक्शन, इन द गैसियस रिएक्शन, इन द गैसियस रिएक्शन ए गैस प्लस टू बी गैस रिएक्ट करते हैं बेटा एंड फॉर्म करते हैं बेटा टू सी गैस प्लस ए डी गैस। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी, द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम was 1.5 टाइम दैट ऑफ ए। लिख लिया, दैट ऑफ ए, लिख लिया। एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड डी वर इक्वल, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड डी वर इक्वल, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करो भाई क्वेश्चन में देखो, हमें पता है कि ए की कंसेंट्रेशन अगर इनिशियल टाइम पे ए है तो बी की कितनी है बेटा? 1.5 टाइम ऑफ ए, इन दोनों की जीरो जीरो। कहता है जब टाइम इक्विलिब्रियम आएगा, जब टाइम क्या आएगा बेटा? इक्विलिब्रियम। ए और डी की कंसेंट्रेशन बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन कहां गई बेटा? फॉरवर्ड गई है। अब फॉरवर्ड गई है तो मैंने कहा बेटा इसके ए में से एक्स गया, ए में से कितना गया? एक्स। तो बाबूलाल कितना आया? एक्स ही आएगा बाबूलाल, क्योंकि स्टोइकोमेट्री बने। अगर बाबूलाल एक्स आया तो इसको स्टोइकोमेट्री कितना है? टू। तो कितना हो जाएगा? टू एक्स। तो क्या करोगे? 1.5 ए माइनस ए टू एक्स, इसका बाबूलाल कितना हो जाएगा? टू एक्स और इसका एक्स। अब वो कहता है जब इक्विलिब्रियम आया तब ए और डी की कंसेंट्रेशन बराबर है, इसका मतलब ए माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा? एक्स के। तो एक्स कितना आ गया? और अगर एक्स ए बाई टू आ गया तो क्या मुझे सबकी इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन पता लग गई? और इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन पता लग गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? टू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। सबकी जगह एक्स रख दूंगा और एक्स रख दूंगा तो ए तो कट जाएगा कॉमन आके, और क्या बच जाएगा मेरे पास में? के की बन जाएगी, जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? और इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो दो रेक तीन, दो रेक तीन, डेल्टा एनजी जीरो, डेल्टा एनजी क्या है? जीरो। क्लियर है? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वही केपी है, वही केसी है और वही केएक्स है। आगे वासन में पक्का? चलो जी इसे उतार लो, कल की क्लास में अपन इसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जब क्वेश्चंस करोगे तो एकदम रट जाएगा। और देखो कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला, प्रोडक्टी कंसेंट्रेशन अपॉन ए। अब एक नई चीज अल्फा ही है क्या? एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है? अमाउंट डिसोसिएट, अल्फा क्या है? पर मोल डिसोसिएट। आगे बात समझ में?
अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के सिवा, एक बस वो लीड चैप्टर प्रिंसिपल है, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है।